मिमी अब तुम्हें आवाज उठानी होगी हाँ अदालत के सामने। और मेरा विश्वास करो, अगर बेबी ने वो वीडियो फोन देखा होता ना, वो तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहती। वो कहती कि तुम अपनी दिल की बात बोलो सब। और इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है ना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें खुद को बचाना है। वो तुम्हारी खुशियां छीन रहा है, तुम्हारा हक छीन रहा है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मम्मी अगर चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाता ना, मैं खुद तुम्हें बोलती चुप रहने के लिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा मम्मी। ये राजीव का अत्याचार और बढ़ जाएगा, और अगर ज्यादा देर होगी ना, हम इसे कुछ नहीं कर पाएगा, तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। प्लीज क्या फालतू का ड्रामा कर रही है अमृता? निमी किसी हाल में राजीव के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी। दिलदाशी बस करो ये सब, इंस्पेक्टर साहब से कह दो कि वो लोग चले जाए। मैं अपने खानदान की इज्जत को इस तरह तमाशा नहीं बनने दूंगी। गलत, तुम अपनी खानदान की इज्जत का तमाशा नहीं बना रही हो। तुम सब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करो। ये राजीव जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे प्यार की इज्जत नहीं करता, तुम्हारे खानदान की क्या इज्जत करेगा? ये और ये जो तुम्हारा खानदान है, तुम्हारा परिवार है, उनके प्यार के लिए तुम्हें ना आज कुछ बोलना पड़ेगा, है ना? हर्ष जैसे डॉक्टर औरतों को मरहम लगाते रहेंगे, उनकी जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। तुमने सुना ना उसने क्या कहा, वो उस पेशेंट के साथ क्या हो? उस लड़की को इतनी जोर से मारा गया कि उसकी पीठ टूट गई। भगवान न करे अगर कुछ ऐसा हो गया तो जिस परिवार के लिए तुम चुप हो, वो परिवार वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे दिलदार सर? तुम्हारे भाई क्या कर लेंगे? राजीव को जेल में भेज देंगे, उसे सजा मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या नहीं है? इस दर्द से, उस चोट से उभर पाओगे तुम?